देखकर मुझे लग रहा है शायद जैसा कि खानकाई किया करते हैं इबादत। इबादत नहीं सुन रहा है। किस बुत के सामने ये कैसी इबादत है? अगर झुके फिर खड़ा होकर जमीन पर फिर से झुक जाए तो बताऊंगा कौन सी इबादत है। अजीब है, उसने वैसा ही किया जैसे तुमने कहा था। क्या तुम जानते हो ये कौन सी इबादत है? अगर मैं तुम्हें बता दूं कि यह किसका मानने वाला है तुम उसके गर्दन तो नहीं उड़ा दोगे? कहीं ये उसी अनपढ़ अरब को मानने वाला तो नहीं है जिसने हम ईरानियों के खुदा खुसरू की शान में गुस्ताखी की है। इसका पैगंबर बुतों को नहीं मानता और लड़कियों को जिंदा दफन करने के भी खिलाफ है। सलाम हो तुम पर। थोड़ी देर के लिए आप लोग यहां आराम कर लीजिए। खुश आमदीद। क्या बात है, किससे भाग रही हो? लुटेरों से। यहां से चले जाओ। वाह वाह, कुर्बानी का गोश्त हो तो बचा कुचा तो मिल ही जाता है, और जुबैर को भी वही होना चाहिए। चल चल चल, अरे जल्दी चल। इसका कहने का मतलब क्या था? क्या कहा? कहा कि उसका खुदा मेरी और तुम्हारी समझ से बड़ा है। कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ, जैसा कि बिल्कुल यहां है ही नहीं। Hey,
तुम किसे और कहाँ देख रहे हो जिसे मैं नहीं देख रहा हूँ? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सोने के सिक्के यहाँ पर भी है। वाह वाह, ये तो गुनाह है, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकता। बुत परस्त अरब खौफनाक होता है, लेकिन ये अरब रहम दिल है। वाह, क्या शानदार चीज है। खाने ताकि ये सुधर जाए। कैद खाने में? किस जुर्म में? चोरी। चोरी? इतने बड़े बाजार में यही एक चोर मिला क्या? क्या है, कहाँ है, कहाँ है वो दिरहम और दिनार जो इसने चुराए हैं? शोर क्यों मचा रही है? बताओ कहाँ है वो चोरी का माल? आओ जमा कर लो वो दिरहम और दिनार जो ऊंट की मेंढकों की तरह गिर रहे हैं, ले जाओ। मदारी हो क्या तुम? यहाँ तमाशा करना चाहती हो? हाँ मैं तमाशा कर रही हूँ, सही है, लेकिन इसका चोरी किया हुआ माल कहाँ है? कहाँ है बोलो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। जो भी हो तुम अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, तुम ना आशिक हो ना ही सच्चे। मैंने कई बार कहा है मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो ही बेहतर है। रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? परचम नहीं दिखाई देता, हम ईरान से आए हैं। वो कौन है? ये लड़का चोरी करके भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया। यहां सामने आओ, मैं भी तो देखूं। इसे छोड़ दो। महल का रास्ता किस तरफ है? उस तरफ। चलो। परवरदिगार ईरान के कासिद दाखिल होने की इजाजत चाहते हैं। आ जाएं।
दुरूद और सलाम यमानियों में शाह ईरान के मुअज्जज नुमाइंदे हाकिम यमन बाजान पर। ईरान के खुदा के नाम, हिजाज की सरजमीन में किसी अनपढ़ अरब ने पैगंबरी का दावा किया है और खत के जरिए मुझे ईरानियों के परवरदिगार को अपने दीन की दावत दी है और गुस्ताखी में हद अदब से गुजर गया जब उसने खत में अपने खुदा और अपने नाम को मेरे नाम के ऊपर लिखा। कौन मुझसे बरतर व बाला तर है? लिहाजा तुम उसे तौबा करने पर पूरी तरह से मजबूर कर दो और अगर ऐसा ना करें तो उसका सर काट कर मुझे भेज दो। शाह शाहान खुसरू परवेज बादशाह ईरान। ये अरब जिन्हें खाने पीने की तमीज नहीं, ये सेहरा नशीं बद्दू अरब जिनके पास प्याज और जौ की सूखी रोटी के अलावा खाने पीने को और कुछ भी नहीं है, ये अरब ऊंटों की पीठ पर बैठते हैं और शर के तलबगार हैं और नहीं जानते शेर हैं। खुसरू परवेज शाह ईरान, जिसका नाम सुनते ही रूमियों की भी रूह थरथरा जाती है। बताओ माजरे की तफसील क्या है? पैगंबर मुस्लिमीन। पैगंबर? उस अनपढ़ अरब ने हमारे परवरदिगार को लिखा है कि इस्लाम ले आओ ताकि निजात पा सको और तुम्हारी रैयत के गुनाह जो मजूसी बाकी रह जाए तुम्हारे सर ना आए। और बादशाह ईरान ने उस अरब के खत को फाड़ दिया और जवाब के तौर पर उसे मुश्क व अंबर से महका के उसी को लौटा दिया। बस तुम लोग जाओ आराम करो। उस सन पर अरब के साथ क्या करना है वो बाजान पर छोड़ दो। बाबू ये और खुसरो को कह दो कि यसरिब जाने की तैयारी करें। बाजान के खास यसरिब जा रहे हैं, वो भी किसी पैगाम के बगैर? हमारा पैगाम वही है जो परवरदिगार ईरान खुसरू व खुसरवान परवेज ने भेजा है। या तो ये अनपढ़ अरब तौबा करें या फिर हमारे साथ जंग के लिए आमादा हो जाएं। अस्सलाम अलैकुम या रसूल। एक तरफ वो अनपढ़ अरब है जिसकी ताकत कहते हैं आसमानों से आती है और दूसरी तरफ बाजान और ईरानियों का लश्कर। रह गए तुम हारिस शाहे यमन, इस जमीन और उस आसमान इनके दरमियान क्या कर रहे हो? मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? ये तख्त लकड़ी है और ये महल पत्थरों का पहाड़। पता नहीं ये सब मेरे सर पर क्यों नहीं ढेर हो जाता। वो भी होगा अगर हारिस वारिस ना होगा। खेल तो अब शुरू हुआ है, होशियार रहो। होशियार रहो, कहीं गुलाम ना बनो
ना खुद ना तुम्हारी औलाद के जिन्हें नस्ल दर नस्ल हुकूमत करनी है। जादूगर लगता है वो। मारो सबको पकड़ के, मारो किसी को मत छोड़ना, मारो 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 सलमा 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 क्या हुआ कैस? सलीम बनी उमैर के बच्चों के साथ झगड़ा हो गया है। सलीम जख्मी हो गया है। जख्मी है? कहाँ पर है? पीछे गली में, उसी पागल के साथ है। किस बात पे तुम्हारा झगड़ा हुआ? अगर इख्तलाफ ही है तो क्यों यहाँ से गुजरते हो? मोहल्ले को खरीदा है क्या? मेरे बाप को उन्होंने ही मारा है। मारा है? मेरे चाचा ने उनके यहाँ शादी कर ली और मेरे बाप को खून माफ कर दिया। तुम्हारा चाचा कौन है? इब्ने उदय। बेकार की बातें करते हैं। कहते हैं तुम्हारी बहन सलमा अगर इब्ने अखनस से शादी कर ले तो तुम्हारे बाप का खून पामाल नहीं होगा। हमारे खानदान के बड़े हैं, मेरे बाप के कातिलों की धौंस सुनते हैं, फिर मुझ पर और मेरी बहन सलमा पर धौंस जमाते हैं। धौंस ना जमाओ, ना किसी पर जुल्म करो, ना ही जुल्म के सामने अपना सर झुकाओ। मेरे मौला, मोहम्मद का कहना है, उनका नाम सुना है? मोहम्मद? हाँ। ओवेस आ गए। सलाम माँ। वालेकुम अस्सलाम। मेहमान आया है। क्या कहा मेहमान? जी हाँ माँ, माँ देख नहीं पाती लेकिन सब दिखता है। उसका नाम सलीम है, सलाम नहीं करोगे? सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सलीम, खुशाब। आ रही थी तो आसमान में दो परिंदों को देखा। एक परिंदा दूसरे के पीछे, जब एक उड़ता था तो दूसरा भी उसके पीछे उड़ने लगता। जहाँ एक बैठता था वहीं दूसरा परिंदा भी बैठ जाता था। इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई हूँ। अगर तुम किसी ऐसे की तलाश में हो जो तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर करे। मैं भाई की तलाश में हूँ। मैं फिर से सलाम करना भूल गई। सलाम। सलाम। सलीम यही है क्या? हाँ, तुम्हारा भाई हमारा मेहमान है। दावत है क्या? हाँ दावत है। हमारी जान एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जहाँ वो रहता है मैं भी वहीं रहती हूँ।
एक और मेहमान है माँ। हजूर, ये दरी मेरी प्यारी मां के लिए। आप लोग शुरू कीजिए, मैं अभी आता हूं। मेरी मां बहुत अच्छी बातें करती है, वो अपने दिल की आंखों से देखती है। कहां गए? छत पे। क्यों? रसूले खुदा के मौजिन बिलाले हबशी जब अजान देते हैं तो जाता है। वो रोजा है। यहाँ से यसरीब की अजान सुन लेते हैं? यहाँ से? यमन से? ओवैस ने पैगंबर को देखा है? नहीं, वो आज तक यमन से बाहर कहीं नहीं गया है। क्यों? लेकिन वो तो रसूल खुदा के आशिक हैं। यसरिब जाकर रसूल खुदा को देख ले। अपनी मजबूर बूढ़ी माँ की वजह से मेरी आंखें ज़ईफ है और मुझे कुछ नहीं दिखता है। अगर पत्थर से दूध का चश्मा फूटता तो मैं भी रसूले खुदा की खिदमत में हाजिर हो सकती, लेकिन ओवेस कहता है यसरीब गए बिना और मोहम्मद को देखे बगैर भी वो जानता है और देखता है कि मोहम्मद कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। उनका मुस्कुराना, उनका बोलना, किस तरह का लिबास पहनते हैं, यहाँ तक कि उनकी खुशबू को भी महसूस करता है। खुरमे का खेमाम था, टूट गया क्या? नहीं, मैंने संभाल लिया है, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सब कुछ है, फिर भी कुछ भी नहीं। देख रही हो बेटा, मैंने अपनी आंखें दे दी जब जाके ये कमरा ऐसे सजा है। वो तो सब कुछ बांट देना चाहता था, मैंने रोक लिया। दिन रात यही सोचती कि शायद इसे देख के ओवेस के दिल में ये बात आ जाए कि माँ के भी कुछ अरमान है और दुल्हन के दीदार से मेरी आंखें रोशन हो जाए। क्या कहा? दुल्हन आ गया। आ गया माँ। मेरे भाई बिलाल की अजान, आज फिर उसने अशहद को असहद कहा और है को है। क्या ये पागल नहीं? अपना मुंह बंद रखो, जो भी कहे ओवेस पागल है, वो खुद पागल है। आओ आओ लोगों, आओ, देखो देखो क्या लाया हूँ।
एकदम सस्ते में 10 दिरहम। ये दरी सुर्ख ऊंट के आला ऊन से बनी हुई है, खरीदो 10 दिरहम। 10 दिरहम दरी सिर्फ 10 दिरहम। कोई नहीं है खरीदने वाला, सिर्फ 10 दिरहम। खूबसूरत दरी, उम्दा नक्श, जुबैर के हाथों से बनी दरी, दरी ले लो 10 दिरहम, सिर्फ 10 दिरहम। इसके कितने दिरहम? गला बैठ गया चिल्ला चिल्ला के 10 दिरहम, और तुम पूछ रहे हो कि कितने दिरहम? 10 दिरहम, सिर्फ 10 दिरहम, बारीकी से बनी हुई, जुबैर के हाथों से बनी हुई। बोलो, खरीदना चाहोगे? बहुत अच्छा, खरीदूंगा। मैं अभी 10 दिरहम लेकर आता हूँ। सुनो भाई, जब तुम्हारे 10 दिरहम के छनछनाने की आवाज जुबैर के हाथ में आने लगे, उस वक्त तुम दरी ले जा सकते हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। ए भाई, एक बात सुनते जाओ। मेरे दादा ने मुझे एक बहुत अच्छी नसीहत की थी, जब खुदा को देखना चाहो तो अपनी आंखें बंद कर लो, और जब उसकी आवाज सुनना चाहो तो अपने कान बंद कर लो। दादा ने बहुत अच्छी नसीहत की है। तुम्हारे बाप ने कब से दरी बनाना शुरू कर दिया? ये दरी तो जानी पहचानी लगती है, कहीं ओवेस की तो नहीं है? पता नहीं, कल रात घर आए तो ये दरी साथ लाए थे, पता नहीं कहाँ से लाए। सुर्ख ऊंट के ऊन से बनी, 10 दिरहम, 10 दिरहम, 10 दिरहम। आ गए तुम? जाओ। ओए सुन। कौन है बेटा? तुम खजूर बेचने वाले हो या चरवाहे? चरवाहा जो खजूर बेचता है, या खजूर बेचने वाला जो ऊंट चराता है, उससे तुम्हें क्या? क्या बात है? क्या चाहिए? किसे ढूंढ रहे हो? चोर भटक रहा है चोर पकड़ने के लिए। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैं यहाँ के हाकिम हारिस का सिपाही हूँ, इब्ने अखनस। दिखता नहीं क्या? क्या है? ये सब बेचने के लिए है, लूटने के लिए नहीं। ए, चल घोड़े, चल चल। अरे चलता क्यों नहीं? चल। यह सरिप किस तरफ है? उस तरफ। मोहम्मद को पहचानते हो?
तुम लोग कौन हो? बाजान के कासिद यमन से। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? मर्द, औरतें, यसरिब के बाशिंदे? तुम्हारा शहर तो रूहों का शहर लगता है। नमाज़े ज़ोहर का वक्त है, सब मस्जिद में है। तुम मुसलमान हो? नहीं, नहीं हूँ। नहीं हो? नहीं हो और फिर भी मोहम्मद के लिए असलहे बनाते हो? अच्छी उजरत लेता है। बनाता हूँ लेकिन उजरत नहीं लेता। सैकड़ों तलवारें और नेजे मोहम्मद की एक मुस्कान पर निछावर। मैं मोहम्मद का आशिक हूँ। अगर यमन के बाजार के चोर यहाँ होते तो सब का सब लूट ले जाते। दुनिया भर की चीजें यहाँ मौजूद है। लोग मोहम्मद से शर्म करते हैं। चोरी उनके दीन में हराम है। ये कौन सी जगह है? मस्जिद रसूल खुदा। आओ हम उस मर्द अरब के जमाल को भी देखें। उसमें क्या देखा कि ये दिन भर पसीना बहाता है और कोई उजरत भी नहीं लेता? ये सब उस अनपढ़ अरब के मानने वाले हैं? सेहरा नशीन बद्दू अरब कब आएंगे? जब तक नमाज तमाम न हो जाए बाहर नहीं आएंगे। सलाम अलैकुम। सलाम। क्या हो गया? वो कहाँ है? नहीं देखते? वही जो सफेद लिबास पहने हुए हैं। यहाँ तो सब के सब सफेद लिबास पहने हुए हैं। यही तो उनकी सीरत का कमाल है कि वो सब की तरह है और सब उनकी तरह। वो कभी खुद को दूसरों से बर्तर नहीं समझते। हमेशा कहते हैं मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। तुम पर है मर्द अरब। क्या तुम वही अरब हो जिसने नबूवत का दावा किया है? मेरा नाम सलमान है। मैं एक अजम हूँ, रसूले खुदा के पैरोकारों में से हूँ। हम हाकिम यमन अमीर बाजान के कासिद हैं। शहंशाह ईरान खुसरो परवेज का पैगाम लाए हैं। यहीं बगैर खातिरदारी के शाह ईरान खुसरो परवेज का पैगाम महो मोहम्मद रसूलल्लाह के नाम। मेरे आका रसूल खुदा को पसंद नहीं है कि कोई उनके सामने जानू देखे। फरमा रहे हैं तुम्हारे अमीर का ये पैगाम है कि खुसरो परवेज को इस्लाम की दावत देने की जो गुस्ताखी की है उसकी माफी मांगो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। आज रात आप रसूल खुदा के मेहमान हैं। कल सुबह आपको आपके अमीर का जवाब मिल जाएगा। सिर्फ कुछ ही दूर तुम्हारे साथ आऊंगा लेकिन यमन नहीं लौटूंगा। इस बयाबान में डाकू लुटेरे दरिंदे बहुत हैं। मेरा खुदा मेरे साथ है।
बाजान पूछे तो क्या कहूँ, कह दूँ बाबू ये मुसलमान हो गया है और ये सिर्फ में ही रुक गया। बाजान पूछे तो कह देना कि बाबू ये मर गया, रास्ते में ही चल बसा, भेड़ियों ने इसे चीर फाड़ डाला, कुछ भी कह देना। एक तरफ ईमान है तो दूसरी तरफ घर और जिंदगी। रसूल खुदा की कुफ्फारे मक्का के साथ हुई सुलह हुदैबिया ने तो हमें अपने घर से दरबदर कर दिया है। अगर ये दुनिया और ये घर हमेशा के लिए होता तब तो तुम्हारे हाथ कुछ ना आता। ऐसी चीज की तलाश करो जो हमेशा बाकी रहे। सुलह हुदैबिया की वजह से हम बयाबानों में दरबदर फिर रहे हैं, ना तो मक्का जा सकते हैं और ना ही यसरिब, हम कहीं के नहीं रहे। इससे पहले भी तो तुम सुबह शाम घर में बेकार बैठे अपने आप से बातें करते थे, कहीं मिल बैठकर गप्पे मारा करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं करते थे। कुछ किए बगैर ही तुम्हें सब कुछ मिल गया। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मैं एक ताजा मुसलमान, अगर मदीना जाऊं तो मोहम्मद मुझे कुरैश के हवाले कर देंगे। मोहम्मद सिर्फ वही करते हैं जो खुदा चाहता है। तुम क्या समझते हो कि खुदा को हमारा ख्याल नहीं है? मैं तो ये जानता हूं कि खुदा और रसूल खुदा हमें बहुत चाहते हैं, उनकी हिकमत देर से मालूम होती है। कुरैशी, 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 हाशिम, मुसय्यब, अब्दुल्ला, अब्दुशम्स, मुसलमानों सुन लो, हमारे साथी रास्ते में है, अगर अमान चाहते हो तो हमारी इताअत करो, औरतें बच्चे एक तरफ, मर्द एक तरफ, मर्द एक तरफ। वहां क्या हो रहा है? चलो जल्दी। चल चल जल्दी कर, जल्दी कर, जो कुछ है निकाल, जल्दी करो, जो भी है निकालो, जल्दी करो, गर्दन उड़ा दूंगा, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी कर, रख दे। वो भी जल्दी कर, खोल उसे, खोल।
तो जख्मी हो गए। जाओ और उसे कह दो बाबू ये मर गया, रास्ते में ही वो चल बसा। बयाबान के वहशी दरिंदों ने उसे चीर फाड़ के खा लिया। और कुछ? बाबू ये अरे काश मर ही जाते और मुसलमान ना होते। पैगाम ये लो पढ़ो, ऊंची आवाज में पढ़ो ताकि सब सुने। खुदा के नाम से जो रहमान और रहीम है, मोहम्मद रसूल अल्लाह के जानिब से हाकिम यमन बाजान के नाम, खुसरो परवेज शाह ईरान बरोज मंगल दसवीं जमादी उल अव्वल अपने बेटे शिरुये के हाथों मारा गया। मारा गया खुसरू परवेज शाहे ईरान। राहे हल की तलाश करनी चाहिए। इस यमन में रोजाना गिरोह गिरोह यमनी मुसलमान हो रहे हैं। अमीर बाजान को मालूम रहे, उसने तो यमन के बादशाह को भी अपने दीन की दावत दी है। उसने खुसरू परवेज शाहे ईरान को कहा तुम मुसलमान बन जाओ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर उसने शाह यमन हारिस इब्ने अब्दे के लाले हिंगरी को अपने दीन की दावत दी। कोई राह हल हो तो बताओ। हारिस, उस अनपढ़ अरब ने इसमें शाह ईरान खुसरू परवेज के कत्ल के बारे में लिखकर हमें ललकारा है। ये ऐसी गुस्ताखी है जिस पर हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं एक ऐसा खेल खेलूंगा कि ये मर्दे अरब अपना लश्कर लेकर यमन पर हमला करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि हम लोग यहां यमन में बैठे क्या चाहते हैं। हाकिम यमन बाजान के हुक्म के मुताबिक जो भी मोहम्मद के दीन पर हैं अब अमान में नहीं। उसके दीन के मानने वालों के लिए इस सरजमीन में कोई जगह नहीं। जो भी इस नए दीन पर ईमान लाएगा वो खत्म, उनके अमवाल जब्त और उनके घरों को जला दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कल रात घर पर ही नहीं थे?
काश आज भी रात वो घर न आए। मोहम्मद के पैरोकार हो? हाँ हूँ, गुनाह है। और तुम? काश मैं भी होती। तुम होते कौन हो पूछने वाले? शिकारची, उसका शिकार करके रहूंगा। शिकारची? सिपाही कौन ठहर जाए। जी हुजूर। हे चलो आगे बढ़ो। सलाम हो शाही यमन हारिस के सिपाहियों पर। तुम्हारे ऊंट कहाँ हैं? मेरे ऊंट? इब्ने अखनस ने कहा कि चरवाए हो, क्या नहीं हो? मेरे पास तो एक बकरी भी नहीं है, ऊंट तो दूर की बात। तो तुम क्या करते हो? भीख मांगता हूँ। बदले में क्या चाहिए? अगर कुछ पूछूं तो तुम जवाब दोगे? मैंने सुना है नए मुसलमानों पर क्या बीत रही है, ये भी जानता हूँ कि तुम किसकी तलाश में घूम रहे हो। अगर मैं बता दूं तो क्या वो सब सिक्के तुम मुझे दे दोगे? है? ये बताओ कि 12 दिरहम की अबा कैसी रहेगी? बारह दिरहम की अबा? जुबैर और 12 दिरहम की अबा? हे खुदा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ। शर्म की बात नहीं है कि तुम जैसे कद का आदमी ऐसे बोसीदा कपड़े पहने? मैंने 6 महीनों से कुछ भी नहीं खाया, मेरा कुछ तो भला करो। तो फिर क्या खा के जिंदा हो? हवा खा के। ये गुस्ताखी है, लेकिन अगर एक बकरे का इंतजाम हो जाए तो। कबूल कबूल, काम की बात करो। वो चरवाहा रात को घर पर नहीं रहता। सलाम हो तुम पर। सलाम हो तुम पर। ओवेस, ओवेस, सलीम मेरी माँ। बड़ी कीमती अबा है, कहीं चोरी की तो नहीं है? कैस, क्या
लाश होती। कत्लेआम किया, दर बदर किया, आग में जला दिया, लेकिन लेकिन फिर भी शाह यमन, मोहम्मद का लश्कर कहां है? क्या मोहम्मद के पास लश्कर है भी? हाँ, लश्कर है, जंगे भी लड़ी है, सिवाय एक जंग की उसने सभी जंगे जीती है। तो क्यों अपने मानने वालों की हिमायत में यहां नहीं आता ताकि हम उसे जंग का सलीका हार का मजा चखा दें? हाँ, कौन है ये मोहम्मद? एक आम अनपढ़ आदमी जो कुछ अरसे पहले तक तिजारत किया करता था। एक ताजिर, वो भी बिना पढ़े लिखे, किस तरह इतना बड़ा हो गया? जब से मोहम्मद के खिलाफ कुरैश के दरमियान हुए अहदनामे को दीमक ने खा लिया, कुरैशियों के मुआहदे की वजह से मोहम्मद और उनके मानने वाले मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गए। कोई उनसे ना कुछ खरीदे, ना ही कोई उन्हें कुछ बेचे, कोई भी उनके साथ किसी भी तरह का रब्त जब्त ना रखे। मुआहदा खाल पर लिख कर काबे की दीवार पर लटका दिया। और उसके बाद यही आम अनपढ़ ताजिर जो दूसरों के माल से तिजारत किया करता था, 2 साल के बाद कहने लगा कि उस अहदनामे को दीमक ने खा लिया है। क्या खा लिया था? खा लिया था। बताओ कौन है यमन में मुसलमानों का सरदार? सरदार? क्या इस ग्रोह का कोई सरदार नहीं? सरदार नहीं, लेकिन एक है जो आपसे हम कलाम होने के लायक हो सकता है। तुम्हें कैसे पता? औरतों को बाज खबरें पहले मिल जाती है जो मर्दों को बाद में पता चलती है। हमेशा ऐसा ही हुआ है। क्या कहना चाहती हो? आजकल औरतों की महफिलों में एक खूबसूरत लड़की का किस्सा आम है कि जो सुना है एक चरवाहे पर मरने लगी है। इस शहर में सुलेमान और मलिकाए सबा के किस्से को सभी जानते हैं। वो इस जमाने का सुलेमान है जिसके बारे में बता रही हो।
खड़े हो, हटो यहां से, दफा हो जाओ। क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, बस करो। बू आ रही है, ऊंट की बदबू आ रही है, उसे मैदान में ले जाकर पानी डालो, 100 बाल्टी। बाजान का महल किसी चरवाहे की जगह नहीं। काश मोहम्मद यहाँ आते और ओवैस के बदन को देखते कि उस पर खाल भी नहीं है।
मोहम्मद नहीं देख रहे हैं, मोहम्मद का खुदा देख रहा है। मोहम्मद ऐसा चाहते हैं या मोहम्मद का खुदा? रसूल खुदा का फरमान, खुदा का फरमान है। अपनी माँ को मानना चाहते हो ओवैस, जो तुम इतनी तकलीफ उठा रहे हो? मुसीबत मोहम्मद पर कुर्बान। तुम ही तो कहा करते थे कि मोहम्मद खाते हैं, पीते हैं, जंग करते हैं और आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारते हैं। ओवैस, तुम्हारी माँ को तुम्हारी शादी की तमन्ना है। तुम जहां भी चरवाहा होता है तुम होती हो, लेकिन जहां तुम होती हो वो नहीं होता। तुम क्या चाहती हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? ओए जी, बस हो गया, ले जाओ इसे। तमाशा खत्म हो गया, जाओ अपना काम करो। रुको, पहले मेरी बात सुन लो फिर जाओ। तुम्हारे चचा इब्ने उदय की बात याद है सलमा? इब्ने उदय तुम्हारे खानदान के बुजुर्ग हैं। अपने बाप का खून पामाल करना चाहती हो? चलो चलो, तुम लोग यहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाओ अपना अपना काम करो, जाओ। उसकी आजादी मेरी मुट्ठी में है, आजादी अगर तुम चाहो तो। ओवैस, अपनी आजादी के बदले सलमा की असीरी कभी नहीं जाएगा। मेरे साथ आओगी या मेरे बगैर मरोगी? ना आऊंगी ना मरूंगी, इंतजार करूंगी। जहां ओवैस जाएगा वहीं रहूंगी। ये लो खाओ। जानता हूं तुम्हें यमन की याद सता रही है। क्या तुम्हें भी मक्का की याद नहीं सताती? मक्का? कुरेश के होते हुए किसी को मक्का की याद नहीं आती। ना अम्मी, दहशत, वहशत जब औरतें पेट से होती हैं, उसी बात से घुटती रहती है कि अगर लड़की पैदा हुई तो क्या, अगर उसे जिंदा दफन करना चाहे तो क्या करेगी? हमने यहाँ पनाह ली ताकि कुफार की अजियतों से नजात मिल जाए, यहाँ पर भी हमें चैन से नहीं रहने देते। मक्का, मक्का, कैसे उसकी याद ना आए? तुम्हें यमन की किस चीज की याद सताती है? आबो हवा। परावान नेमते, लंबे तनावर दरख्त, इसलिए तो उसे यमन कहते हैं। मुसलमान वहां अमान में हैं? मैं भी उसे फिक्र में हूं। सच पूछो तो फिक्रमंद हूं। क्यों?
क्या कुरैशियों का दबदबा वहां पर भी है? यमन में एक ऐसा हाकिम है जो शायद तुम्हारे कुरैशियों से भी बदतर है। तुम बाजान को नहीं जानते, लड़ाकू है, बहुत मगरूर है और जातलब। वो खुसरो परवेज की खुशामद में जो भी कर सकता है वो करता है। मुझे अगर उसने पा लिया तो यकीनन मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। खुदा ही जानता है कि यमन के मुसलमान इस वक्त किस हालत में होंगे। हर वो शख्स जो सुबह उठे और दूसरे मुसलमानों के बारे में ना सोचे मुसलमान नहीं है। रसूल खुदा ने फरमाया है हमें दुनिया भर के मुसलमानों के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। सितारा है सुहैर, जख्म भर गए, पैरों में ताकत आ गई। हमसे थक गए जो जा रहे हो, वो भी बगैर अलविदा किए। जख्म अभी भी है, पैर में ताकत नहीं है, आपसे भी थका हुआ नहीं हूं, लेकिन जाना चाहता हूं। कहां? नहीं जानता। आखिर तुम अपने दिल की बात क्यों नहीं मान लेते? मैं एक सिपाही हूं, हमें यह सिखाया गया है कि भूल जाए कि दिल है। हमें यह सिखाया गया है कि जो भी कहा जाए सुनो और अंजाम दो। परेशान और बेताब हो, क्या हो गया, क्या देख लिया? मैंने देखा कि वो सब इंसान है, सब एक दूसरे के बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, ना कोई सिपाही, वहां अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं। सरदार और सिपाही साथ साथ हैं, अमीर गरीब के बगल में बैठते हैं। सलमान वहां थे, एक अजम, बिलाल भी वही थे, एक काला हबशी। जिंदगी में ना कभी देखा ना ही सुना कि किसी बादशाह या हाकिम को एक नजर में ना पहचाना जा सके। इस कदर वो एक दूसरे में घुल मिल गए थे। और सबसे अहम, वो ऐसे रात से बाखबर थे कि अगर दुरुस्त हो तो एक तहलका मच जाएगा। वो इस जमीन पर हुज्जते खुदा हैं। वो दिलों पर हुकूमत करते हैं। मैं ताजिर था, इस तरफ शाम और रूम तक गया हूं और उस तरफ तुम्हारे ईरान तक। सब जगह जुल्म जुल्मत और सितम, ऐसी गहरी तारीकी में सिर्फ एक चिराग रोशन हुआ, ऐसा नूर जो कभी भी खामोश नहीं होगा। तुम जैसा ताजिर, मुझ जैसा सरदार, इस बीच बयाबान में शायद खुदावंद आलम तुम्हारी जबानी मुझे रास्ता दिखा रहा है। मक्का के चारों तरफ मुझ जैसे लोग भरे हुए हैं। मोहम्मद के कारवां का सैलाब जब चलेगा तो ये छोटे छोटे तालाब दरिया में बदल जाएंगे। कुरैशियों ने बगैर समझे बूझे खुद को घेराव में डाल दिया है। इतनी दलीलों और निशानियों को देखकर तुम्हारी नजर में मोहम्मद किसकी मिसाल है?
वो खुद अपनी मिसाल है। आयत खाने और रास्ते में तुम हर वक्त नमाजें और दुआएं पढ़ते रहे। क्या तुम्हारे मौला ने कहा कि असारत की जंजीरों में भी नमाज पढ़ते रहो? नमाज पढ़ो ताकि असारत से निजात पाओ, यह है मेरे मौला की तालीम। लेकिन तुम्हारा वो मौला मोहम्मद जो अपने आप को पैगंबर समझता है, क्या तुम डर रहे हो मुझसे? ये आंसू मेरे मौला के दीदार के शौक में तड़प उठे हैं, डर से नहीं। क्या तुमने मोहम्मद को देखा है? नहीं। क्या वो वाकई पैगंबरे खुदा है? मेरे चचा उसमें करनी आमूल फील में गंदुम जौ लेकर यसरिब गए थे। उन्होंने कहा एक रात एक बुजुर्ग यहूदी आलिम छत के ऊपर गया और जोरों से चिल्लाने लगा कि खुदा की कसम आखिरी पैगंबर का सितारा तुलू हो चुका है, मोहम्मद पैदा हो गए हैं। उसने आखिरी पैगंबर के जहूर की निशानियों को तौरात में पढ़ा था। अगर यहूदी कहते हैं कि पैगंबर है तो पैगंबर हो गए। तुम ईरानी हो? अपने औकात में रहो। तुम परवरदिगार के नुमाइंदे से पूछताछ करते हो? मेरे आका मोहम्मद के विलादत पर क्या तुमने ईरान के महल की चीख नहीं सुनी थी? मोहम्मद ने कहा है कि खुसरो व खुसरवान परवेज शाह ईरान का कत्ल हो गया है। अगर मोहम्मद पैगंबर है और गैब की बातें जानता है तो कहां है ईरानी कासिद जो कत्ल की खबर लाए? आ रहे हैं। ना आए हैं और ना ही आएंगे। अगर कासिद तुम्हारे खुसरू के कत्ल की खबर लेकर नहीं आया तो वो खुदा का रसूल नहीं है, क्योंकि अंबिया कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन अगर आ गया तो वो खुदा के रसूल है जो गैब से आगाह है। बड़ी ही संजीदा शर्त है, मुझे मंजूर है, लेकिन नहीं आएगा। हारिस, तुम गवाह रहना। अगर ईरानी कासिद शाह ईरान खुसरू परवेज के कत्ल की खबर लेकर आए तो ये शख्स आजाद है, लेकिन अगर नहीं आए
मुनादी, तुम्हारे कत्ल की खबर का ढिंढोरा पीटेंगे। ना आज शाम, ना ही कल सुबह, ना कल शाम, ना परसों, और ना ही उसके बाद कोई कासिद आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ना सवारी, ना कासिद, और ना ही शाह ईरान खुसरो परवेज के कत्ल की कोई खबर। आ रहे हैं, नहीं सुन रहे हो? बताओ कौन हो तुम लोग? तुम काला लिबास क्यों पहन रखा है? गुज़िश्ता हफ्ते बरोज़ मंगल। मंगल को क्या? मारा गया खुसरो परवेज शाह ईरान, कत्ल हो गए। अपने ही बेटे शिरवे के हाथों। से मंगल बस जमादी उलूला, जैसा कि मोहम्मद ने कहा था। ये शख्स कौन है? चरवाहा। और मोहम्मद? जो भी हो गैब से आगाह है। और पैगंबर खुदा होते हैं वो जो गैब से बाखबर हैं। और ये शख्स? आजाद है। दूसरे कैदी? सभी आजाद हैं। सारे लोगों को दिरहम और दीनार से नवाजो, और सभी बच्चों को नए लिबास दो। हम शिरवे के जुल्म से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या करें अपने परवरदिगार खुसरो के बगैर? ईरान के कितने ही बादशाह मौत की आगोश में चले गए, लेकिन ईरान
जिंदा है। ले लो, ताजा नान है, और ले लो, ले लो। शुक्रिया। ठीक है, काफी है, काफी है। सिर्फ एक ही लिया? नहीं नहीं, काफी है। ओवेस, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सेहरा जा रहे हो, खुदा ना खास्ता अगर तुम भूख से मर जाओगे तो मेरे इस गधे का क्या होगा, और ये मर जाएगा तो मेरा क्या होगा। परेशान मत हो, खुदा हमारे साथ है। जाओ, खुदा हाफिज। सलीम, मेरी माँ। मैंने तुमसे ये पहले भी तो कहा था कि ओवेस तुम्हारी माँ मेरी और सलमा की भी तो माँ है। ओवेस, रुक जाओ, मत जाओ। मत जाओ ओवेस। ओवेस, बूढ़े जुबेर के पास माले दुनिया में सिर्फ यही एक गधा है, सहराओं में इसकी हिफाजत करना। इस पर सवार मत होना, ठीक है? गधा बूढ़ा हो चुका है और मेरी तरह कमजोर भी। बेचारे जानवर की हिफाजत करना, कहीं मर ना जाए, इस पर सवार ना होना। इसमें इतनी ताकत नहीं है। अरे मैं ये तो भूल ही गया, यसरीब में ऊद अंबर अच्छे मिलते हैं। ओवेस, इस बूढ़े जुबेर के लिए वहाँ से तोहफा जरूर लाना। मेरा सलाम मोहम्मद को, मतलब रसूल खुदा को पहुँचाना, और कहना मेरे रिज़्क व रोजी की दुआ करे, और कहना कि जब मैं मर जाऊँ तो मुझे भी जन्नत ले जाए, जिसका वादा किया है। क्या बाबा, एक बूढ़ा गधा दिया है और बदले में इतनी हाजतें मांग ली? उनको जितनी भी चीजें ला कर दो, उनके लिए तो हमेशा कम ही लगती रहती है। कहाँ जा रहे हो ओवेस, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या तुमने नहीं कहा था कि मोहम्मद रहमत और इंसाफ के पैगंबर हैं? काश तुम भी उन्हीं की तरह होते। ये ना इंसाफी है ओवेस, ना इंसाफी है। क्या ये बेरहमी नहीं कि सलमा को तनहा छोड़कर जा रहे हो? क्या ये बेरहमी नहीं कि सलमा पर रहम नहीं किया? किस तरह तुमने सलमा की मोहब्बत को नजरअंदाज कर दिया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम कैसे सलमा के इश्क को देखे बगैर चले गए? लेकिन क्या सलमा ओवेस के रसूल खुदा के इश्क की शिद्दत को जानती हो? सलीम, क्या वो वापस आएंगे? यसरिब से तो आएंगे, लेकिन रसूल खुदा के इश्क से नहीं। Thank you.
कहां से हो? यमन से। मुसलमान हो? मैं तो अपने बाप मुखैरिक के दीन पर हूँ। वो तन्हा यहूदी थे जो जंगे उहद में मोहम्मद के साथ थे और शहीद हो गए। उन्होंने तौरेत में से हजरत मसीह और मोहम्मद के जहूर की निशानियों को पढ़ रखा था। पैगंबर ने मेरे वालिद के लिए फरमाया, मुखैरिक यहूदियों में से बेहतरीन था। अगर यहूदी तौरेत को और ईसाई एंजील को जमाने की दखल अंदाजियों और मफाद परस्त आलिमों की तहरीफ से बचाए होते और उस पर गौर करते तो वो सब आज रसूल खुदा की पैरवी में पेश कदम होते। बातों से लग रहा है कि तुम मुसलमान हो। तुम्हारी बातें मेरे दोस्त अमर से कितनी मिलती जुलती हैं। कबीले औस में से था। पूरी जिंदगी में एक भी रकत नमाज पढ़े बगैर उसने जन्नत हासिल कर ली। बगैर नमाज पढ़े? अभी इस्लाम नहीं लाया था कि ओहद की जंग छिड़ गई। बस दिरह तन पर, एक हाथ में तलवार दूसरे में ढाल, बहादुर शहसवार तो था ही। मैदान जंग में आया और मोहम्मद के दुश्मनों का खूब सफाया किया और आखिर वो भी खुद मारा गया। जब रसूल खुदा ने उसके कारनामों को सुना फरमाने लगे, अम्र बहश्तियों में से है। चल, बस अब पहुंचने ही वाले हैं। मस्जिदुन नबी यहीं पास में ही है। मुश्किल है इस वक्त वो मस्जिद में होंगे। बहरहाल कहीं भी हो इब्ने उमेर को जरूर पता होगा। ओहो, संभाल के रास्ता दो। जरा किनारे हो जाओ, थोड़ा किनारे हो जाओ। चलो चलो। चलो चल चलो। ये देखो, मस्जिदुन नबी तुम्हारे सामने है। इब्ने उमर, मोहम्मद मस्जिद में है या नखलिस्तानों में? कहीं नहीं, बयाबानों में पनाह गुजीर मक्कियों के हाल चाल मालूम करने तशरीफ ले गए हैं। रुकोगे? जोहर तक। बताया नहीं तुमने कि ऐसे बाप और ऐसे दोस्त के होते हुए मैं मुसलमान हूं? अगर तुम पैगंबर के फर्जंद भी होते तो दूसरों पर कोई फजीलत नहीं होती। तो नहीं हूं। अपने बातिन में देखो, अगर तुम्हारे दिल में मोहम्मद की मोहब्बत है तो हो। है, खुदा की कसम दिल में है। है, चल, फट, चल, चल।
ये कौन सी शर्त लगा दी माँ? आपको पता है मदीना कितना दूर है? इसके अलावा सहरा, धूप, गर्मी, प्यास, पानी की कमी। मदीना सुबह पहुँच जाए, जोहर होते लौट आए। अगर ये शर्त ना लगाती तो वो शायद एक महीना भी रुक जाता। मोहम्मद का जमाल हम सबको भुला देता। मैंने कहा था सुबह से जोहर तक अगर चाहे तो एक हफ्ता ठहर जाए। वो आएंगे क्या माँ? मेरी तो आंखें नहीं कि अपने आका की ज़ियारत कर सकूं। मैं तो सिर्फ ओवेस की आंखों से ही अपने आका की ज़ियारत कर सकती हूँ। भटके हुए बयाबानी, तुमसे कह रहा हूँ, मैं अबू सबरे जौफी हूँ, बनी जौफी कबीले का सरदार, और ये मेरे बेटे हैं। तुम यमनी हो? जानता हूँ, सब मुझे ऐसे ही ताकते हैं जैसे तुम ताक रहे हो। क्या करूँ? मेरे बेटे अजीज और सबरे ऊंट पर बैठते हैं दोनों, और मैं कबीला जौफी का सरदार गधे पर बैठता हूँ। गधे पर मैं काफी सालों से इस फोड़े के दर्द के मारे तड़पता रहता हूँ। मैं घोड़े या ऊंट की मेहार तक थाम नहीं सकता, थक गया हूँ, गधे पर बैठना पड़ता है। तुमने रसूल को देखा है? किसी तबीब से तो इसका इलाज ना हो सका, क्या रसूल इसका इलाज कर सकते हैं? हाँ, चल है हैवान चल। अजीब किस्म का क्या तुम्हें पता है कि यसरिब में खुरमे की मंडी का उतार चढ़ाव कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे? मुझे जाना होगा, अबू सबरे और उनके बेटे मदीने से लौट आए हैं। Thank you.
कई बार ये बात कह चुका हूँ, लेकिन मोहम्मद के चाहने वालों के इसरार पर फिर से कह रहा हूँ। जब हम यसरिब पहुंचे मोहम्मद वहां नहीं थे। नहीं मालूम मुसलमानों ने अपनी नमाज जोहर किसके पीछे पढ़ी, लेकिन मोहम्मद वहां नहीं थे। और जिस वक्त जोहर का तपता हुआ सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, हजरत तशरीफ लाने लगे, दरे मस्जिद पर अभी पहुंचे भी नहीं थे कि वो फरमाने लगे, मैं यहां एक नूर देख रहा हूं और जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूं। हजरत ने फरमाया, ये उसका नूर है जो हमारे लिए तोहफा छोड़ गया, और यमन के जानिब रुख करके कहा, हां हां वो मेरा भाई है ओवेज। वो ओवेज था। फिर यमन की जानिब रुख करके फरमाया, मैं यमन की जानिब से उसकी खुशबू को महसूस कर रहा हूँ, मैं अबू सबर जौफी उसे ढूंढ निकालूंगा, वो यमन का इफ्तिखार है, मैं दिन रात शहर शहर गली गली भटक कर उसकी तलाश करूंगा। अहले यमन की इज्जत और शराफत इसी में है कि उन्हें सर का ताज बना लें। जाकर कह दो कि उसे पहचानते हो, पता भी जानते हो, जाओ। सुनो, एक और बात पैगंबर ने मेरे बेटे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इसने कहा अजीज। पैगंबर ने फरमाया कि सिर्फ खुदा ही अजीज है, और मेरे बेटे का नाम अब्दुल रहमान रखा। मेरी बात सुनो, ऐ लोगों, अपनी आंखों से देख लो रसूले खुदा के एजाज को। अबू सबर के हाथ का वो बरसों पुराना फोड़ा कहाँ गया? गायब हो गया, किसी तबीब से उसका इलाज ना हो सका सिवाय पैगंबर के। पैगंबर ने मेरे हाथ पर एक निगाह डाली, उसके बाद एक लकड़ी उस पर फेर दी, बस यसरिब से यमन नहीं पहुंचा था कि ये ठीक हो गया, दूसरे सालिम हाथ से भी सालिम तर। मेरे बच्चे, मेरा घराना, मेरा कबीला, मेरा जान माल, मेरा सब कुछ मोहम्मद पर निसार, कुर्बान है मोहम्मद पर। क्या चाहिए बेटा? जानना चाहते हो ओवेस कहाँ है? Thank you.
दुरूद व सलाम हो ओवेस पर। सलाम हो आप पर। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। ये किसका जश्न है? यह जश्न कबीले बनी जौफी के इस्लाम लाने की खुशी में रखा गया है। हमने देखा अगर ओवेस शामिल न हो तो यह जश्न जश्न नहीं, इसीलिए इन नाचीज हदियों के साथ आपके दर पर आ गए। और आज से ओवेस हमारे कबीले से हैं। जब तक अबू सबरे जिंदा हैं इस कबीले की सरदारी करो। और अब मैं ऐलान करता हूं कि आज से ओवेस का नाम ओवेस जौफी है। मैं कह चुका हूं और आज सारे अहले यमन ये जानते हैं जो रसूल अल्लाह ने ओवेस के बारे में फरमाया। और मैं अबू सबरे जौफी मस्जिद तामीर करवाऊंगा बनामे ओवेस जौफी। मस्जिद रसूल अल्लाह के मुबारक नाम पर होगी। आइए, जश्न आप ही का जश्न है। अगला शख्स। आज रात भी नहीं रुकोगे? आज चांद जमीन के बहुत करीब है। बयाबान को देखा? तालाब गोया दूध से छलक रहा है। आज की रात सजदे की रात है। मां, ऐसी रातों में इबादत करने का मजा ही कुछ और है। चांद और रातों से बहुत अलग है। किसी चीज का इंतजार कर रही हो? मैं इंतजार से मायूस हो चुकी हूँ। तुम ही कहती हो कि एक शख्स यसरिब में बैठा आसमानों के उस पार की बात तुमसे आगाह है कि एक बेटा अपने बाप को कत्ल कर देता है और एक शख्स यहाँ यमन में बिना देखे उसका आशिक हो जाता है। और बाजान, बाजान जो कि गुरूर का एक पहाड़ है, उसके सामने थरथरा जाता है और घुटने टेक देता है, यहाँ तक मुसलमान हो जाता है और उसकी इताअत में यसरिब फौज रवाना कर देता है। और मैं हारिस, हारिस इब्ने हिमगरी। हारिस यमन का बादशाह, उसकी क्या हैसियत है? तुम हमेशा मुझे जलील करती हो और हमेशा बाजान को मुझ पर तरजीह देती हो क्योंकि वो ईरानी है। मैं हमेशा इज्जत को जिल्लत पर तरजीह देती हूँ क्योंकि बेहतर है। तुम क्या चाहती हो? दूसरों के साए तले न रहो, एक कासिद ईरान भेजो
और शिरुए को मुबारकबाद का पैगाम दो। एक कासिद मक्का रवाना करो और कुरेशियों के साथ मुआयदा कर लो। लेकिन इन सब के पहले बाजान को खत्म कर दो। सलाम। सलाम। हिम्मत रखो जवान। जोशादे का ख्याल रखना, उबल के गिरना चाहे। ठीक है, तब तक मैं ये आखिरी दरी मुकम्मल कर लूं। एक बूढ़े गधे के बदले तीन तीन दरी कम है? कम है? आप उस गधे पर बैठे भी थे या नहीं? ओवेस। जी माँ। जुबेर कहा गधा करने को, इबादतों पर तुम उसको तरजीह देना, सिवाय वाजिबात के। ओवेस, किसी का हक तुम्हारी गर्दन पर न रह जाए। जरूर माँ। मैं देखता हूँ। सलाम हो आप पर। सलाम हो इस पर, वो लोग जो यसरिब से आए। मदीना। खबर लाए हैं कि रसूल खुदा ने मक्का को फतह करने का इरादा किया है। बहुत बड़ी जंग होने वाली है। मेरी जान रसूल खुदा पर कुर्बान, वो जो अज्म करते हैं जरूर बजा लाते हैं। और उसके बाद? अमीर बाजान ने आप पर सलाम कहलाया है और दरख्वास्त की कि आप महल में आए और ये बताएं कि यमन से कितना लश्कर मदीना भेजना चाहिए और कैसे, सवार और प्यादे, कितने घोड़े, कितने ऊंट, ताकि ओवेस की सरदारी में मदीना जाए। ओवेस की माँ ज़ईफ और बीमार है। बाजान अभी हकीम है, बेहतरीन तबीब को आपकी वालिदा के लिए भेज सकता है। माँ को तबीबों से ज्यादा ओवेस की जरूरत है। माँ को अपने ओवेस के बिना न रातों को नींद आती है न दिन को चैन। अबू सबरा भी महल में थे।
मस्जिद के बारे में कुछ नहीं कहा? कहा, फतेह मक्की की मुहिम तमाम होते ही मस्जिद का भी काम तमाम हो जाएगा। आप तो अबू सबरा को जानते हैं। कहा कि सारे यमानी ओवेस की इमामत में नमाज अदा करेंगे और फतेह का जश्न मनाएंगे। तुम लोग ये अच्छे से जानते हो, अरे भी मक्का रियाकार और खुदनुमा नहीं हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं। मुझ पर यकीन करो बगैर चूचे रखिए। बताओ क्यों? क्योंकि मैं हकीकत बता रहा हूं और कुछ नहीं। गवाह भी है मेरा बेटा अब्दुल रहमान। जब मोहम्मद के लश्करों ने मक्का के पहाड़ों को अपनी कसरत से पूरी तरह से ढांक लिया था, अबू सुफियान घबरा के पूछा, ये लोग कौन हैं? कहा, ये मोहम्मद के सिपाही हैं। मुहाजरीन अंसार मोहम्मद के सहाबी और चाहने वाले हैं। अबू सुफियान की आंखें बाहर निकल आई और वो कहने लगा, अब हमारी खैर नहीं कि मोहम्मद की सल्तनत बहुत बड़ी हो गई है। उनमें से एक कौन था? अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अबू सुफियान क्या कहा? कहा कि ये सल्तनत नहीं है। कहा कि ये सल्तनत नहीं बल्कि नबुवत और रिसालत है। आगे वो आ गए। खुशामदीद खुशामदीद। खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। हमारा ओवेस यमानियों के चश्मो चराग खुशामदी। हमारे हो आप पर सलाम खुशामदी। वाह 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 ओवेस। वाह 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 ओवेस। जब रसूल खुदा की वफात की खबर आई तो ओवैस अपने ऊंटों के साथ बयाबानों में थे। सुनते ही कहा, खुदा की कसम मेरी माँ भी चल बसी। वो मर गई? ओवैस कहते थे कि मेरी माँ ने खुदा से दुआ की थी कि रसूल खुदा के बाद जिंदा ना रहें, और वो जिंदा ना रहीं। कब पहुँचेंगे और कितना वक्त लगेगा यमन पहुँचने में? बस पहुंच गए उस पहाड़ के पीछे। ओवेस का क्या हुआ? पैगंबर ने वसीयत की थी
कि मेरे मुरक्के को मेरे भाई ओवैसे करनी को देना, और अली अलैहिस्सलाम ने खुद मुरक्का सुपुर्द करने के लिए यमन का इरादा किया। बाबा। हाँ मेरी जान। अली वही है ना जो इस वक्त मुसलमानों के खलीफा है? हाँ बेटा, अली अमीरुल मोमिनीन है। कब पहुँचेंगे सलीम? काश कूफे में ही रह गए होते। तुम कूफियों में बर्दाश्त और तहम्मुल का मादा कितना कम है। पता है थक गई हो, ये ओवैस का ही तो घर है, नमाज यहीं अदा करेंगे, अपना घर भी तो पासी में है। तुम्हारी जिंदगी में तो सिर्फ ओवैस ही है, मेरी भी कोई जगह है या नहीं? ये लड़के कहाँ चले गए? आ रहा हूँ। ओवैस, बाबा क्या हुआ? पैरों की घसीटने की आवाज से ही पहचान गई थी कि तुम आए हो, आ गए हो। सलमा, तुम हो? क्यों क्यों? 10 भाइयों का सोग भी किसी को इस कदर तोड़ नहीं सकता। गए थे ताकि ओवैस के साथ वापस आओगे। नहीं मिले सलमा, कहीं नहीं। जहां भी गया वो कहीं नहीं मिले। हर्रान, दमिश्क, मदीना, अभी मैं कूफा से आ रहा हूं। उसने कहीं मस्कन नहीं बनाया, इसीलिए ढूंढ न सका। कहते थे सुकून आशिकों के लिए हराम है, दुनिया में तलब से मुस्तरिब है और कयामत में तलब से बेकरार है। मैंने सोचा कि जरूर मोहम्मद के इश्क में मदीने में होंगे, वहां भी नहीं थे। तुम्हारा बेटा है? हाँ, ओवैस। उसका नाम ओवैस है। ओवैस, ओवैस, क्या तुम उनके आशिक ना थे? कैसे मुमकिन है कि तुम मदीना तक जाकर रसूल से मिले बगैर लौट आए? ओवैस ने कहा, उसने किसी से पूछा था, आशिक का रास्ता कौन सा है? कहा, जब तुम्हें इश्क होगा तो रास्ता भी मिल जाएगा। ओवैस, मैं भी तुम्हारी तरह अपने इश्क की आशिक हूँ। कूफा को भी खंगाल डाला,
हर तरफ जंग की धूम थी। बहुत से लोग वहां थे, अली शाम की तरफ बढ़ रहे थे। जंग? मुआविया ने उस्मान की खून खाही के बहाने जंग का ऐलान किया है। मैं जानती हूं मैं ओवैस अली को तनहा नहीं छोड़ेंगे। शायद सिफीन गया हूं। सिफीन जुलकला और होशब को बुलाओ जल्दी। है कोई खबर है? सब मुंतजिर है कि तुमसे खबर सुने। मैंने खुद गिना 999 लोग कुफा से आए थे। तो क्यों अली ने कहा 1000? मौला को इंतजार 1000 का था या 1000 में का? क्या कहना चाहते हो इब्ने नसर? 1000 लोग अगर सब आ गए हैं सिवाय एक के, यानी वही एक 1000वां है। जब तुम लोग इस खेमे से बाहर निकलो तो इज्जत व एहतराम के साथ निकलो, ताकि ऐसा कारनामा अंजाम दो जिसका इनाम 10,000 सोने के सिक्के हैं। वरना इस खेमे से तो क्या, शाम से निकल जाओ और लौटकर हरगिज वापस मत आना। इंतखाब बड़ा सख्त इंतखाब है। एक तरफ हमेशा के लिए बेइज्जती और रुसवाई है, और दूसरी तरफ 10,000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर। अब समझ में आया कि क्यों तुम्हें मालिक ने पहरा देने के लिए भेजा है। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि एक शख्स अली के लिए इतना ज्यादा अहम क्यों है। अली मुआविया की तरह नहीं है, उनकी हर बात नपी तुली होती है। अली वो देख सकते हैं, वो ऐसी बातें जानते हैं जो हमारे लिए समझना मुश्किल है। ये जंग दूसरी जंगों से मुख्तलिफ है, लंबी हो गई है। कूफियों ने अली की खिलाफत को तो माना, लेकिन उनकी विलायत को दिल से नहीं। जिसका इंतजार है वो रसूल खुदा के सहाबियों में से है। कूफी खुरमे से कमाई हुई दौलत पर बहुत अकड़ते हैं। शाम के लश्कर की तरफ से भी कोई खबर नहीं। इन तीनों में से एक तीर, या शायद तीनों के तीन, अली के सीने में पैवस्त होना चाहिए। अली को कत्ल वहां इतने जानिसारों के बीच,
तुम अपने कौम व कबीले में सुजात के लिए मशहूर हो, चाहते हो बाकी जिंदगी जिल्लत और रुसवाई के साए में जियो। जब जंग के बीचों बीच इतना गहरा सन्नाटा हो तो डर लगता है। याद रखना, हम दोनों अब यहां से हम अशस किंदी के साथियों में से हैं और हम अशस किंदी का नाम लेकर के कूफा के लश्कर में शामिल हो सकते हैं। यहां से तो नहीं आए? कौन? कहा नहीं था एक आने वाला है? तुम मुझे दीवाना कर दोगे? ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कभी कभी शक होता है, या तो तुम पागल हो या दीवाने। हम तो आशिक हैं और कुछ नहीं। अली की शुजात हमें अपना काम अंजाम देने का मौका देगी। अली ऐसा हाकिम नहीं है जो खैमे से सिर्फ जंग का नजारा देखे, जैसे मुआविया। देख रहे हो? देख रहा हूं। आ रहे हैं, लेकिन पैदल क्यों? कौन हो? खुदा का बंदा। कौन से लश्कर में? लश्कर खुदा। लश्कर खुदा इस मैदान में किस तरफ है?
क्या नहीं सुना है? रसूल खुदा ने फरमाया, जहां भी हक है अली भी है। क्या खुदा के अलावा कोई हक है? कौन हो तुम? वैसे करनी, अपने मौला के कदम चूमने आया हूं। थके हुए हो, सवार हो जाओ, अली तुम्हारे मुंतजिर हैं। नहीं, ओवैस का अजर यही है कि पैदल जाके अपने मौला के कदमों का बोसा ले। काम तमाम होते ही अलग अलग रास्ते से भाग जाए, सिर्फ फिर ना लौटे। در بند تو رهو